हेलो बच्चों, कैसे हो सब? तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है अपना एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। याद आया, पिछली क्लास में हमने बात की थी स्ट्रेंथ की, हमने बात की थी, मोलरिटी की, और हमने बात कर ली मोलरिटी की। क्लियर? अब जो एक्सप्रेशन बचे हुए कंसंट्रेशन की वो हमें आज प्रोसीड करनी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम एंड फाइनली पीपीबी। क्लियर? तो ये हमें आज डिस्कस करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। बच्चों तो वर्ड है फ्रैक्शन यहां पर। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे हम काई से। तो बच्चों जो फ्रैक्शन टर्म है बहुत ही कॉमन सी टर्म है, बार बार हम यूज करते रहते हैं। आपकी मैथमेटिक्स के अंदर आप काफी डिस्कस करते हो इस टर्म को, फ्रैक्शन को। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जहां से हम फ्रैक्शन निकालना सीख लेते हैं एक बार फिर से। मान लो कि हमारे घर में एक पिज्जा ऑर्डर किया हमने। हमने क्या ऑर्डर किया? एक पिज्जा ऑर्डर किया। क्लियर? घर पे पिज्जा आ गया। ये लो बच्चों, पिज्जा आ गया घर पे। पिज्जा जब आ गया तो उस पिज्जा में थी सिक्स स्लाइसेस। कितनी? सिक्स स्लाइसेस। अब घर पे मेंबर है फाइव। कितने मेंबर है घर पे? फाइव मेंबर्स। स्लाइसेस कितनी है पिज्जा में? सिक्स स्लाइसेस। तो क्या होगा? तो किसी भी घर के एक बच्चे ने ऐसे जिद कर ली, या आपने ही बोल दिया कि नाना मैं तो दो स्लाइस लूंगा। कितनी? टू स्लाइसेस। आपने कितने स्लाइस ले ली? टू स्लाइसेस। टोटल कितनी स्लाइस थी यहां पर? सिक्स। तो आपके हिस्से में कितना पोर्शन आया इस पिज्जा का, कैसे डिटरमाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप ए हैं तो आपने टू स्लाइसेस इंटेक की और टोटल थी सिक्स स्लाइसेस। तो आपके हिस्से में जो पिज्जा आया वो कितना आया? वन बाय थ्री। वन बाय थ्री क्या हो गया? उस पिज्जा का वो फ्रैक्शन हो गया जो आपने लिया है। क्लियर हुई बात? तो आपके हिस्से में पिज्जा कितना आ गया? वन बाय थ्री। कैसे डिसाइड किया हमने? कैसे ये फ्रैक्शन निकाला हमने? वन बाय थ्री हमने ऐसे निकाला कि हमारे हिस्से में कितने सेगमेंट आए, कितने स्लाइसेस आई? दो। और अपॉन उससे डिवाइड किससे किया हमने? कि टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस कितनी थी। तो ये स्लाइसेस का फ्रैक्शन आ गया। टोटल सिक्स स्लाइसेस थी और सिक्स स्लाइसेस में से दो हमने ले ली उसमें से। क्लियर? तो हमारे हिस्से में आ गई कितनी? वन बाय थ्री हमने ऐसे निकाल लिया। सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा ना कि जिसका भी हमें फ्रैक्शन निकालना हो, जिसके हिस्से का फ्रैक्शन निकालना हो, उसके हिस्से में जितने सेगमेंट्स आ रहे हैं उससे डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स को। क्लियर? तो ये बात हुई सिंपल फ्रैक्शन की कि हम फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर हमें फ्रैक्शन किसकी निकालनी है बच्चों? यहां हमें फ्रैक्शन निकालनी है किसकी? मोल्स की, है ना। मोल फ्रैक्शन की हमें बात करनी है। अब हमें पता है हम डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशन की, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। ये मान लो कोई कंटेनर है जिसमें कोई सॉल्यूशन फिल कर रखा है हमने यहां पर। यहां पर कोई प्रेजेंट क्या है? यहां पर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब हमें पता है कोई सॉल्यूशन जब बनेगा तो एटलीस्ट दो कंपोनेंट होंगे वहां पर। दो कंपोनेंट होंगे ना वहां पर, एटलीस्ट क्या होंगे? दो कंपोनेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी एक दूसरे के अंदर क्या है? मिक्स हो रखे हैं। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे में मिक्स हो रखे हैं। तो दो कंपोनेंट है ए एंड बी। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन। किसकी? हम मोल फ्रैक्शन ए की भी निकालेंगे, हम मोल फ्रैक्शन बी की भी निकालेंगे। तो हमने अभी अभी डिसाइड, अभी अभी हमने फॉर्मूला डिजाइन किया सिंपल सा कि जब भी फ्रैक्शन निकालनी हो, जिसकी फ्रैक्शन निकालनी हो, तो उसके हिस्से में जितने चीजें हैं डिवाइड कर दो टोटल चीज से, है ना। अब यहां पर बात करें ए और बी, जो दो मिक्सचर ए और बी ने मिक्स होकर जो एक सॉल्यूशन बना रखा है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। ये दो कंपोनेंट हमें पता है, यहां पर एक कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी है। तो हम मान लें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए जो है वो क्या है यहां पर हमारे पास? एन ए है। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी हम मान लेते हैं कितने? एन बी। अब यहां पर इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। ए के मोल्स हो गए एन ए, बी के मोल्स हो गए एन
एंड बी। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बच्चों, फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे दोनों को सम ऐड कर देंगे, दोनों का सम निकाल लेंगे और सम क्या आ जाएगा यहां पर एन ए प्लस एन बी। तो एन ए प्लस एन बी क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, हुई बात। अब फॉर एग्जाम्पल हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन, किसकी, ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, टोटल जो मोल्स थे उसमें से ए की कितने मोल है, वो जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा ए की मोल फ्रैक्शन। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट ए, अब हमें पता है मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, काई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लो जी काई, और किसकी मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ए की, तो सिंबल क्या हो जाएगा आपका काई ए हो जाएगा, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए दैट इज काई ए की हम बात करें, तो ए की मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगी, हमें अभी डिसाइड किया था कि जब भी फ्रैक्शन निकालनी हो उसका हिस्सा अपॉन टोटल हिस्से, तो इसका हिस्सा किसका हिस्सा ए का, तो ए के मोल्स कितने बच्चों एन ए, है ना, तो एन ए डिवाइडेड बाय टोटल हिस्से, तो टोटल हिस्से मतलब टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हैं एन ए अपॉन सॉरी एन ए प्लस एन बी, क्लियर हुई बात। तो ए की मोल फ्रैक्शन आ गई आपकी काई ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या आ गई ए की मोल फ्रैक्शन आ गई। ठीक इसी तरह से हम किसकी भी निकाल सकते हैं, कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी की जब हम बात करें तो इसको एक्सप्रेस किससे करेंगे, हम काई बी से एक्सप्रेस करेंगे, और क्या हो जाएगी ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्लियर हुई बात। तो ये किसकी मोल फ्रैक्शन आ गई, बी की मोल फ्रैक्शन आ गई। तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन, ए की मोल फ्रैक्शन एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी यानी ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और बी की मोल फ्रैक्शन दैट इज काई बी वो बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो ऐसे मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। तो अब हमने जब मोल फ्रैक्शन निकाल ली है तो विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज कैन वी डिफाइन द मोल फ्रैक्शन, अब हम मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हैं ना, कैसे डिफाइन करेंगे, बी ए क्या है जिस भी कंपोनेंट की आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो ये भी मोल्स है ये भी मोल्स है, मोल्स अपॉन मोल्स इट मींस ये अपने आप में क्या है कि मोल्स का रेशियो है, किसके मोल्स का रेशियो, जिस भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आपको निकालनी है उसके मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन, हुई बात क्लियर, ये कोई दिक्कत इसमें है ना, ऐसे निकाल लेंगे इजिली। अब एक बात बताओ कि हमने मोल फ्रैक्शन तो निकाल ली, अब हम इसकी यूनिट की बात करें, मोल फ्रैक्शन की किसकी बात करें हम, मोल फ्रैक्शन की यूनिट, तो बच्चों मोल फ्रैक्शन यूनिट क्या होगी, मोल फ्रैक्शन यूनिट शाबाश बताओ जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इसकी, निकाल ली होगी यूनिट ना अभी तक आपने, निकालो जल्दी से मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, इट इज यूनिट लेस, ये क्या होती है बच्चों यूनिट लेस होती है, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये क्या अपने आप में मोल्स का रेशियो है, मोल्स का क्या है रेशियो है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्लियर, इट मींस मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिट लेस प्रॉपर्टी, है ना। तो ये बात होगी आपकी मोल फ्रैक्शन की, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक क्वेश्चन करो जल्दी से, फिर राइट डाउन ए क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, प्रूव दैट द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज यूनिटी ऑलवेज, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज यूनिटी ऑलवेज, इसको कुछ इसी तरह से लिख सकते हैं, दैट प्रूव दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन इज यूनिटी ऑलवेज, किसी भी सॉल्यूशन की जो मोल फ्रैक्शन होगी टोटल वो क्या होगी यूनिटी होगी, यूनिटी मींस वन होगी, है ना। तो ये हमें प्रूव करना है, करो शाबाश।
है ना, वीडियो पॉज करो यहां पर और सोल्व करो जल्दी, है ना। ओके तो हम सोल्व करें इसको। हमने ये प्रूव करना है कि मोल फ्रैक्शन जो है किसी भी सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसका जो सम होगा वो क्या होगी, यूनिटी, यूनिटी यानी वन होगी वो। हमने अभी भी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है ए एंड बी, हमने अभी निकाल ली थी कि जो काई सॉल्यूशन जो होगी, काई सॉल्यूशन वो किसके सम इक्वल आएगी, काई ए प्लस काई बी, ए की मोल फ्रैक्शन और बी की मोल फ्रैक्शन दोनों में तो सम आएगा, वो किसकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा कि सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, है ना। अब काई ए क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस काई बी क्या होगा बच्चों, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना। एलसीएम ले लिया हम दोनों, तो एलसीएम हमें पता है क्या आ जाएगा, सिंपल एन ए प्लस एन बी, ये एन ए है तो यहां आ जाएगा एन बी और ये क्या हो जाएगा आपका एन ए, क्लियर। तो एन बी प्लस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए, फाइनली आंसर आ गया आपका वन, क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रूफ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी ऑलवेज, है ना। हो गया सोल्व, कोई दिक्कत कर दिया वो सबने, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक सिंपल बात सोचो कि इतने पतड़े में हम क्यों बढ़ रहे हैं, हमने क्या निकालनी थी, सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन, क्या निकालनी थी बच्चों में, सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन। हमने डेफिनेशन तो कर रखी है ना, अभी हमने डेफिनेशन क्या कर रखी है कि जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालनी हो उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो किसके मोल्स, किसकी निकालनी है, सॉल्यूशन की निकालनी है। तो सॉल्यूशन के मोल्स कितने होते हैं, सॉल्यूशन के मोल्स जितने भी कंपोनेंट होंगे सबके मोल्स का जो समेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के मोल्स, तो दो कंपोनेंट है दोनों के मोल्स का जो सम आएगा वो क्या हो गया आपके सॉल्यूशन का मोल, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी दो ही होते हैं, क्लियर हुई बात, दोनों एक ही बात है, दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा वन, है ना। तो इस तरह से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन इज यूनिटी ऑलवेज। तो मोल फ्रैक्शन हो गई बच्चों, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं फिर, करें क्वेश्चन, ओके लिखो फिर। If 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, if 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्ड इन, if 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्ड इन 900 ग्राम ऑफ वाटर, if 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्ड इन 900 ग्राम ऑफ वाटर, then find out the mole fraction of, then find out the mole fraction of both water and glucose, then find out the mole fraction of both water and glucose, clear। तो write down करो इसको, notebook निकालो और ये question करो जल्दी से तुरंत, शाबाश, video pause करो और question करो, है ना, करता हूं wait तब तक, करो शाबाश जल्दी, कर दिया, चलो सॉल्व करते हैं फिर। हमें गिवन है क्या, हमें ये गिवन है दैट वाटर जो आपका वो कितना है 900 ग्राम, और ग्लूकोज जो है वो कितना गिवन है, ग्लूकोज आपका है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब सुनो बात, अब हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन, किसकी, दोनों की ही मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, यानी एन वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, हमें क्या गिवन है, मास गिवन है, तो हमें पता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो 900 अपॉन 18 कितने आ गए, ये मोल्स आ गए बच्चों 50 मोल्स, कितने आ गए 50 मोल्स, और ग्लूकोज कितना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपका 180 ग्राम गिवन है, और इसका मोलर मास भी कितना होता है 180 होता है, तो ये कितना है आगे 1 मोल, इट मींस 1 मोल ऑफ
ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 50 मोल्स ऑफ वाटर, क्लियर। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स हो गए बच्चों 1 प्लस 50 इक्वल्स टू 51, क्लियर। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन किसकी, दोनों की निकालनी है। तो काई ग्लूकोज यानी ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन निकालेंगे क्या चाहिए हमें, ग्लूकोज के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ग्लूकोज के मोल्स कितने हैं बच्चों, 1 मोल, और अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं 51। ये क्या आ गई, ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन। ऐसे निकालेंगे हम वाटर के मोल फ्रैक्शन, तो काई वाटर इक्वल्स टू वाटर के मोल्स कितने 50 अपॉन टोटल मोल्स 51। ये क्या होगी आपकी वाटर की मोल फ्रैक्शन। तो ऐसे हम इजीली निकाल लेंगे किसी भी मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन होगी हमारी, है ना। मोल फ्रैक्शन के बाद हमें जो बात करनी है वो बात करनी है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, आपकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम एंड पीपीबी। अब इसमें तीन वर्ड आ रहे हैं, एक तो परसेंट वर्ड आ रहा है, एक पीपीएम आ रहा है और पीपीबी आ रहा है ना। अब इनकी एक बार सिंपल एक बार इनको समझने की कोशिश करते हैं, फिर वन बाय वन बात कर लेंगे डिटेल में हम। सिंपल एक बार समझते हैं, एक टर्म है हमारे पास परसेंट, है ना, एक टर्म आपके पास पीपीएम, पीपीएम की फुल फॉर्म आपकी पार्ट्स पर मिलियन, क्या बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। फिर एक टर्म आई आपके पास पीपीबी, ये हो जाएगी आपकी बच्चों पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, है ना। इसको मैं बच्चों का होल्ड करता हूं, एक बार एक छोटी सी चीज समझते हैं साइड में, है ना, छोटी सी चीज समझते हैं कि मान लो पांच बच्चे हैं कोई, कितने बच्चे, पांच बच्चे। अभी जो एग्जांपल लिया था ना थोड़ी देर पहले, वही एग्जांपल वापस लेके आते हैं। पांच बच्चे हैं और उनके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, 10 चॉकलेट हैं, क्लियर, कितनी 10 चॉकलेट्स। तो पर चाइल्ड नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी आएगी, हर बच्चे के पास कितनी चॉकलेट आएगी, 2 चॉकलेट आएगी। कैसे निकाला हमने बच्चों, ऐसे निकाल दिया 10/5। तो जो 10/5 आया ना, 10/5 क्या हो गया आपका, ये हो गया पर पर्सन, पर हेड, पर यूनिट, यानी हर बच्चे के पास इतनी चॉकलेट आएगी, है ना, ये पर पर्सन हो गया यार, एक सिंगल एक यूनिट के पास हो गया, है ना। अब ये पर पर्सन के पास हो गया, मान लो इसको मैं ले लेता हूं एक्स, क्या हो गया बच्चों, ये एक्स हो गया, क्या हो गया ये एक्स, इसको मान लेते हैं ये पर वन है, पर यूनिट है ये, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है परसेंट, परसेंट, परसेंट बोले तो पर प्लस सेंट, पर मींस इंडिविजुअली। अच्छा यहां पर सेंट टर्म है, सेंट का मतलब हम लेंगे सेंचुरी, सेंचुरी मींस 100, 100 यानी 10^2, 10^2, ये क्या पर मिलियन, पर मिलियन, मिलियन बोले तो 10^6, ये क्या पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन बोले तो 10^9, क्लियर। तीनों में डिफरेंस क्या है, ये पर सेंट है यानी पर 100 है, ये पर मिलियन है, ये पर बिलियन है, और ये पर वन है। अब हमें पता है एक बच्चे के पास 2 चॉकलेट हैं, 10^5 चॉकलेट्स हैं, एक्स चॉकलेट है एक बच्चे के पास, तो 100 बच्चों के पास कितनी होगी बच्चों, 100 बच्चों के पास हो जाएगी, जो भी पर एक बच्चे के पास उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10^2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या निकल गई बच्चों, ये निकल गई परसेंट, परसेंट कैसे निकली, किसी भी एक के पास कितना है इनटू 10^2। पर मिलियन निकालेंगे यदि हम, पर मिलियन निकालेंगे तो हर एक के पास है, यानी एक बच्चे के पास 2 चॉकलेट है, तो हमें पता है 1 मिलियन बच्चे के पास कितनी होगी इनटू 1 मिलियन, एक बच्चे को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया। और पीपीबी की बात करेंगे, यानी एक बच्चे के पास एक्स चॉकलेट है, तो बिलियन बच्चों के पास, यानी बिलियंस का मतलब होगा 10^9, तो 1 बिलियन बच्चों के पास कितने चॉकलेट हो जाएंगे इनटू 10^9। ये सिंपल सा कंपैरिजन किया हमने इनको, एक सिंपल जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग की बात की हमने, हालांकि डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे थोड़ी देर में, अभी इनको जस्ट एक कंपैरिजन किए हैं दोनों आपस में। परसेंट का मतलब जो पर पर्सन आएगा या पर यूनिट आएगा या पर वन आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10^2 से, पीपीएम में 10^6 और पीपीबी में 10^9, यानी इन तीनों में जो फॉर्मूलाज डिजाइन होंगे उन तीनों के फॉर्मूलाज डिजाइन का ये तो स्केलेटन सेम रहेगा, जो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है वो क्या होगा आपका बच्चों,
चेंज हो रहा है। जहां आप परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो, वहां पे भी पीपीडी के अंदर क्या करें, सॉरी पीबीएम में क्या करें, हम 10 रेज टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पीपीबी में हम क्या करेंगे 10 रेज टू पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बच्चों बात? परसेंटेज के लिए 10 रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई, 10 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 9। तो ये बेसिक डिफरेंस रहेगा इनके फॉर्मूलाज में। अब हम जब हम बात करेंगे इनकी 1 बाय 1, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट टाइप से था, जस्ट एक ब्रीफ आइडिया लिया हमने कि हम इनके बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी। क्लियर? अब हम बात करते हैं इनकी 1 बाय 1। ये नोट करना है कर लो, कहीं स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है इसको, है ना, मैं हटा रहा हूं इसको भी। तो इसके बाद हम बात करेंगे परसेंटेज की 1 बाय 1, सब की हम बात करते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल देते हैं बच्चों, हेडिंग क्या डाल देंगे, हेडिंग डाल देंगे मास परसेंटेज। क्या डाल देंगे हेडिंग? मास परसेंटेज या मास परसेंट। पहली टर्म है हमारी मास परसेंट, है ना। एक ब्रीफ आइडिया हमने ले लिया, थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। जब भी हमें परसेंट निकालना हो, जब भी हमें क्या निकालना हो, परसेंट निकालना हो, फॉर एग्जांपल हमें अपने मार्क्स पे परसेंटेज निकालना है। मान लो आपका कोई टेस्ट था, वो टेस्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 50 मार्क्स थे, 50 नंबर का टेस्ट था, और आपके मान लो उसके अंदर आ गए 40 मार्क्स। कितने आ गए? 40 मार्क्स। तो आपका जो स्कोर है डिवाइडेड बाय टोटल और इनटू क्या करते हैं 100, तो परसेंटेज निकाल के आ जाती है कितनी, 80% आ गई है सर। कैसे आई? कि जो आपका स्कोर था, जो आपका हिस्सा था, डिवाइडेड बाय टोटल हिस्से इनटू 100। ये सिंपल तरीका होता है ना परसेंटेज निकालने का। तो मास परसेंटेज की बात करें अगेन, यहां पर भी क्या बात हो जाएगी फिर कि मास परसेंटेज, मास की हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज किसका निकाल रहे हैं, मास का। अभी किसका निकाल रहे थे, इधर इधर इस मोहल्ले में हमने किसका निकाला था, वो मार्क्स का निकाला था। किसका? मार्क्स का। और ये है मास का, है ना, डिफरेंशिएट रखना दोनों को। मास परसेंटेज निकाल रहे बच्चों, किसका निकालेंगे, किसी भी कंपोनेंट का निकाल सकते हैं सॉल्यूशन में, जो जिस भी कंपोनेंट का हमें मास परसेंटेज निकालना है उसका मास लेंगे पहले, तो मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज निकालेंगे, तो मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और फिर क्या कर देंगे इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, बिल्कुल शाबाश, 10 रेज टू पावर 2 से, यानी 100 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया फॉर्मूला किसका, मास परसेंटेज का। क्लियर? मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। अच्छा, डिफाइन कर सकते हैं इसको आराम से ना, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, द मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स मास परसेंटेज, इज नोन एज इट्स मास परसेंटेज। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश। तो जैसे मास परसेंटेज निकल गया ना, वैसे क्या निकल जाएगा हमारा, वॉल्यूम परसेंटेज। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, मास परसेंटेज की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज की। बिल्कुल बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की। कैसे निकालेंगे? वैसे निकालेंगे जैसे मास परसेंटेज निकाला है, ये मास का परसेंटेज था, अब किसका परसेंटेज होगा, वॉल्यूम का परसेंटेज होगा। तो क्या निकालेंगे, जिसका भी वॉल्यूम परसेंटेज हमें निकालना हो उसका वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट या वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और हमें पता है मल्टीप्लाई किससे करते हैं बच्चों, बिल्कुल शाबाश, 10 रेज टू पावर 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, वॉल्यूम परसेंटेज का। किसका? वॉल्यूम परसेंटेज का। क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 रेज टू पावर 2 यानी 100। क्लियर? अब इसको भी डिफाइन कर सकते हैं ना, डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, कर दो, द वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट, द
The volume of a component present in 100 ml of the solution. The volume of a component present in 100 ml of the solution is known as volume percentage. तो ये होगी volume percentage की definition. कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. अब हमने mass percentage निकाल लिया volume percentage. अब हम बात करेंगे इसकी बच्चों mass by volume percentage. मास बाय वॉल्यूम ये क्या था? मास बाय मास था, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मास बाय वॉल्यूम. ये एक तरह से कुछ कुछ स्ट्रेंथ के जैसा ही होगा. किसके जैसा? स्ट्रेंथ के जैसा. याद करो स्ट्रेंथ को, पिछले क्लास में हमने बात की थी, है ना. अब मास बाय वॉल्यूम यानी जिस कंपोनेंट की परसेंटेज की आप बात कर रहे हो उसका तो क्या लेना है? मास. उसका लेना है मास अपॉन वॉल्यूम. और वॉल्यूम लेना है किसका? सॉल्यूशन का. यानी इसका जो फॉर्मूला हम डिजाइन करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, जब हम फॉर्मूले की बात करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? ये मास ऑफ ए कंपोनेंट आपका आ जाएगा बच्चों, मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन मास बाय वॉल्यूम. तो डिवाइड में आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन परसेंटेज है. हमें पता है 10^2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. 10^2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये बन गया फॉर्मूला किसका? आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, है ना. मास बाय वॉल्यूम परसेंट. तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या हो गया? मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, है ना. अब इसको भी डिफाइन कर सकते हैं. कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द मास ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. मास ऑफ द कंपोनेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम परसेंट. क्लियर हो गया बच्चों? शाबाश, है ना. तो ये तीनों परसेंटेज आपने निकाल ली. मास परसेंटेज की बात कर ली आपने, वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर ली, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की आपने बात कर ली. अब दो टर्म बचती है हमारे पास, कौन कौन सी? एक तो ppm और दूसरी ppb. ppm एंड ppb बात करते हैं इसकी भी. अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन डेवलप किया था इनके बीच, परसेंटेज ppm एंड ppb के बीच में. परसेंट ppm और ppb के बीच में हमने एक रिलेशन था डेवलप किया था. एक तरह से क्या था? परसेंट तो क्या था? x into 10^2, और ppm क्या था? x into 10^6, और ppb क्या था? x into 10^9, है ना. कुछ दिख रहा होगा x क्या है, कॉमन है. तो जो x है, जहां जिस भी टर्म को आप 10^2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी टर्म को हम 10^6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगी? आपकी ppm आ जाएगी. और उसी टर्म को आप 10^9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी? आपकी ppb. ये क्या थी बच्चों? मास परसेंटेज. जो आपके सामने जो फॉर्मूला है वो क्या है? मास परसेंटेज का फॉर्मूला है. अब क्या निकालेंगे हम निकालेंगे बच्चों ppm. ppm हमने बात कर ली कि जिस टर्म को आप 10^2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जिस टर्म को आप 10^2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे मास परसेंटेज निकालने के लिए, उसी टर्म को ppm निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा बच्चों? 10^6 से मल्टीप्लाई करना होगा. किससे? 10^6 से. तो जो फॉर्मूला आपने मास परसेंटेज के लिए डिजाइन किया था ना, सेम फॉर्मूले में उसी टर्म को जहां 10^2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी टर्म को अब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10^6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या फॉर्मूला किसका डिजाइन हो जाएगा? अपना ppm का. क्लियर हुई बात? तो ये फॉर्मूला किसका हो गया बच्चों? ppm का, है ना. ppm, है ना. तो इसको डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन? क्या हो जाएगी? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 million पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. प्रेजेंट इन 1 million पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज ppm, इज नोन एज ppm. तो ये हो गया ppm. और जैसे ppm हुआ वैसे क्या हो जाएगा? ppb हो जाएगा. वही बात, जहां 10^6 से मल्टीप्लाई किया था अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10^9 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 10^9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ppm की जगह क्या बन जाएगी? अभी ppb 6 की जगह 9. तो क्या हो गया? ये आपका
पार्ट्स पर बिलियन, यानी 1 बिलियन की हम बात कर रहे हैं। तो सेम फॉर्मूला है, 6 की जगह 9 आ गया, डेफिनेशन भी सेम आ जाएगी। जहां 1 मिलियन लिखा था वहां क्या लिख देंगे, 1 बिलियन लिख देंगे। द अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 बिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो ये हो गई आपकी पीपीबी। क्लियर हुई बच्चों बात? तो इसी के साथ आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन है, आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन कंप्लीट। कौन कौन से एक्सप्रेशन की बात कर ली हमने, हमने बात कर ली कंसंट्रेशन के दो टाइप एक्सप्रेशन की, वन इज द क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, अनदर वन इज द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। क्वालिटेटिव में दो बातें की थी, डायल्यूट सॉल्यूशन जहां अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जहां अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होता है। तो ये तो हुई आपकी क्वालिटेटिव बात, और क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन की बात करी कंसंट्रेशन की, तो कई सारे टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए डिटेल के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रेंथ, देन मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, आपकी मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर आपकी पीपीएम एंड फाइनली पीपीबी। तो ये सारे टर्म्स हैं जिनमें हम कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों बात ये है कि ये वाला जो पोर्शन हमने डिस्कस किया जो कल और आज, ये पोर्शन थ्योरेटिकल इतना नहीं है जितना ये न्यूमेरिकल बेस्ड आपका रहेगा। तो इसके जस्ट बाद जहां आपकी एनसीईआरटी खत्म, मतलब जहां आपकी इस एनसीईआरटी का ये टॉपिक खत्म होता है, उसके जस्ट बाद आपके पास आई थिंक 5 इंडेक्स क्वेश्चंस है, है ना, 5 इंडेक्स क्वेश्चंस है आपको वो करने हैं सोल्व, है ना। ये क्लास यही रोकेंगे आज हम, इसके बाद आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी बातें होंगी। तो आपके लिए फिर इतना सा काम है फिलहाल, आपको ये करना है कि इस क्लास के बाद में एक दो पहले आराम से इन सबको पढ़ना है डिटेल में, पढ़ने के बाद में एक दो तो आपके सोल्ड एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स है ऑन द बेस्ड ऑफ कंसंट्रेशन, आपको वो सोल्व करनी है, और उसके बाद आपके 5 इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, है ना, वो आपको सोल्व करना है, है ना। तो यहां रुकेंगे हम, अगली जो क्लास में हम बात करेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे कि इसके आगे जो भी टॉपिक्स हैं, और कोशिश करेंगे इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स हम करें, या फिर कोशिश करें हम कि जो इंडेक्स क्वेश्चंस आपके वो हम सोल्व करें यहाँ पर, है ना। बट तब तक आपको वो सोल्व करके रखने हैं, है ना, इंडेक्स क्वेश्चन सोल्व करने हैं और आपको एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, विद दीज वर्ड्स हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।